इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पूरे उत्तर भारत से। उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी अपना कहर बरपा रही है। कई राज्यों में सुबह और रात के समय लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी हालत खराब है। सुबह और शाम के वक्त कोहरे के कारण विजिबिलिटी ना के बराबर है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर के साथ साथ आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। नोएडा में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सफदरगंज में आज 1.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में दिन का तापमान भी 15 से 17 डिग्री है। राजस्थान के चुरू में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 10 जनवरी के बाद से देश में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। राजस्थान और बिहार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में भी लोग सर्दी की मार झेल रहे हैं। बठिंडा में आज घना कोहरा देखा गया। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि सर्दी का सितम जारी है और पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है।